हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉन्स्टेलेशन सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 की कहानी को। दोस्तों, हमने इसके प्रीवियस 6 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको एपिसोड 7 समझ में नहीं आएगा, इसीलिए उन सारे एपिसोड को देखना ना भूलें। और हम यहाँ पर आपको बताते चलें कि यह एक पैरेलल स्टोरी है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इस स्टोरी को सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हमें पता चलता है कि यहाँ पर दो स्टोरियाँ चलने लग रही हैं, एक वो स्टोरी जिसमें जोहाना जिंदा है और एक वो स्टोरी जिसमें जोहाना मर चुकी है। हम यहाँ पर एलिस को देखते हैं जो मैग्नस के साथ में आई है, और ये लोग एक कैबिन में होते हैं जो बर्फ के अंदर होता है। तब यहाँ पर एलिस की आंखें खुलती हैं तो वो बाहर देखती है कि उसकी मॉम आ चुकी है, और उसी वजह से एलिस बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन वो जब बाहर देखने के लिए जाती है तो उसकी मॉम वहाँ पर होती ही नहीं। दरअसल ये दोनों कहानियाँ पैरेलल चल रही हैं, उसी वजह से इस एलिस को यह लगा कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा है और बाहर आई हुई है, और उसी वजह से एलिस अपनी मॉम को ढूंढती हुई बाहर भाग जाती है। और जो यहाँ पर जोहाना है, जो अभी अभी इस कैबिन में आई है, वो अपनी बेटी को लेकर अंदर आ जाती है, और अंदर आकर वो दोनों मिलकर यहाँ पर टैप रिकॉर्डिंग को सुनने लगती हैं। इसमें एक वो रिकॉर्डिंग होती है जिसमें पॉल जिंदा होता है। तो यहाँ पर जोहाना को कुछ भी समझ में नहीं आता, उसे लगता है कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। पॉल को तो मैंने अपनी आंखों से देखा था जो कि स्पेस स्टेशन के अंदर मर चुका था, और पॉल इस रिकॉर्डिंग में यह बोल रहा है कि जो जोहाना है वो मारी जा चुकी है। इसीलिए जोहाना इस रिकॉर्डिंग को यहीं पर बंद कर देती है, और तब ये दूसरी रिकॉर्डिंग सुनने लग जाते हैं। ये वो रिकॉर्डिंग होती है जिसमें एलिस अपनी मॉम जोहाना से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। लेकिन इस रिकॉर्डिंग में अजीब बात यह होती है कि जो एलिस और जोहाना ये दोनों आपस में बात कर रही हैं, ये दोनों स्वीडिश लैंग्वेज में बात कर रही थी। और जोहाना को पता है कि मैंने अपनी बेटी से स्वीडिश में बात की ही नहीं, बल्कि मैंने तो इंग्लिश में बात की थी। उसी वजह से वह इस रिकॉर्डिंग को यहीं पर बंद कर देती है। जोहाना यहाँ पर अपनी बेटी एलिस को बताती है कि जब मेरा स्पेस के अंदर एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब यहाँ पर एलिस बताती है कि आप CAL डिवाइस के ऊपर काम कर रहे थे, आखिर वो क्या चीज़ थी। मैंने हेनरी से उसके बारे में पूछा था तो हेनरी ने यह बताया था कि यह फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ है। तो यहाँ पर जोहाना को याद आने लगता है, वह बताती है कि यह एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर कैसे हो सकती है। और हमें पता है कि ये दोनों यहाँ पर चोरी छुपे आई हैं, और मैग्नस इन दोनों को ढूंढ रहा है, और इनकी तरफ बहुत सारी पुलिस और एम्बुलेंस आ रही है। उसमें हेनरी भी होता है और फ्रेडरिक भी होता है। यहाँ पर हेनरी बताता है कि जो इरिन नाम की औरत है वो भी यहीं पर आ रही है। तो यहाँ पर मैग्नस बोलता है कि उसका यहाँ पर क्या काम है। तो फ्रेडरिक बताता है कि वो लोग यहाँ पर जोहाना को अपने साथ ले जाएंगे, और इरिन तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखेगी। और हम जोहाना को देखते हैं जो अभी भी घर में होती है। वो उस CAL डिवाइस को एक जगह छुपा देती है, लेकिन तभी उसकी बेटी एलिस की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि दूसरे पैरेलल स्पेस में होती है। उसी वजह से यह जोहाना अपनी बेटी को ढूंढने के लिए यहाँ से बर्फ में चली जाती है, और बर्फ में काफ़ी आगे तक जाती रहती है। उसे वहाँ पर एक और कैबिन नज़र आता है, यानी एक और घर नज़र आता है, और जोहाना इस घर में चली जाती है। और हमने ये चीज़ पिछले एपिसोड में भी देखी थी। और जोहाना यहाँ पर एक अलमारी को खोल देती है जिसके अंदर उसकी बेटी एलिस होती है, जो कि दूसरे पैरेलल स्पेस की होती है। अब यहाँ पर दो एलिस हैं, एक वो एलिस जो अपनी मॉम के साथ में है, और एक वो एलिस जो अपनी मॉम को ढूंढ रही है क्योंकि उसकी मॉम मर चुकी है, यानी एक पहले वाली एलिस और एक दूसरी वाली एलिस। तो यहाँ पर जोहाना को दूसरी वाली एलिस मिल जाती है, और वो उसे उठाकर अपने घर में ले आती है जहाँ पर पहले वाली एलिस भी थी। और जोहाना इस दूसरे वाली एलिस को नहलाती है, लेकिन तभी यहाँ पर जोहाना को पता चलता है कि यहाँ पर तो पहले वाली एलिस भी है। और जोहाना को यह समझ में नहीं आता कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक साथ दो दो एलिस कैसे हो सकती है। और ये चीज़ हमने पिछले एपिसोड में भी देखी थी, लेकिन जो दूसरे वाली एलिस है जो मैग्नस के साथ में उसके केबिन में रह रही थी, उसे यह एहसास हो रहा था कि उसकी मॉम उसे नहला रही थी, लेकिन तभी उसे वहाँ पर उसकी मॉम नहीं मिलती। इसी वजह से वह अपनी मॉम को आवाज़ लगाने लगती है, तभी यहाँ पर मैग्नस आ जाता है। और हम आपको यहाँ पर बताते चलें कि यह दूसरे पैरेलल स्पेस की स्टोरी है जिसमें जोहाना मर चुकी है। तो यहाँ पर यह एलिस अपने पिता को बताती है कि मैंने मेरी मॉम को देखा है। तो यहाँ पर मैग्नस बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तुम्हारी मॉम मारी जा चुकी है। लेकिन यह एलिस बताती है कि मैंने उसे महसूस किया, मैंने उसकी स्मेल को भी महसूस किया है। तो यहाँ पर मैग्नस अपनी बेटी एलिस को गले लगा लेता है। वहीं हम जोहाना को देखते हैं जिसे अभी अभी यह लगा था कि वह अपनी बेटी को घर पर लेकर आई है, लेकिन उसकी बेटी यहाँ पर होती नहीं। इसीलिए वह अपनी पहले वाली एलिस को जगाती है और बोलती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, यहाँ पर एक और कैबिन है, यानी एक और घर है, उसके अंदर मेरी बेटी है और मुझे उसे बचाना होगा। उसी वजह से वह CAL डिवाइस को उठाती है और अपनी बेटी एलिस को लेकर यहाँ से निकल जाती है। वहीं मैग्नस को देखते हैं जो अपनी पत्नी एलिस को ढूंढता हुआ इस बर्फीले मैदान में पहुंच जाता है, लेकिन आगे रास्ता बंद होता है। उसी वजह से वो लोग यहीं पर रुक जाते हैं और रास्ता खुलने का इंतजार करने लगते हैं। और हम जोहाना को देखते हैं जो अपनी बेटी एलिस को लेकर दूसरे कैबिन में जा रही है।
इसीलिए एलिस रास्ते में मोतियों को गिराती जाती है ताकि उसे रास्ते का पता चलता रहे। लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वह अपनी मॉम को बोलती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुमने मेरी मॉम के साथ में क्या किया है। शायद जो लोग अंतरिक्ष से आते हैं उनके साथ में कुछ अजीब बातें होती हैं और मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाने वाली। उसी वजह से वह CL डिवाइस वाले बैग को वहीं पर गिरा देती है और वापस घर की तरफ चली जाती है। वहीं हम उस एलिस को देखते हैं जो मैग्नस के साथ में थी और वो एलिस अपनी मॉम को ढूंढना चाहती है। उसी वजह से वह जल्दी से गर्म कपड़े पहनती है और इस जगह से बाहर चली जाती है। बाहर उसे वो मोती नजर आते हैं जो यहाँ पर पहले वाली एलिस ने गिराए थे। तब तक मैग्नस को पता चल चुका है कि उसकी बेटी बाहर जा चुकी है, इसीलिए वह भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बाहर आता है। लेकिन उसे अपनी बेटी मिलती ही नहीं और जो पहले वाली एलिस है वो अपनी माँ से अलग हो चुकी है और एक दूसरे घर में पहुंच जाती है। लेकिन वो यहाँ पर अकेली ही पहुंच पाती है, उसकी मॉम उसके साथ में नहीं होती। घर के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक रेडियो होता है, उस रेडियो को वो उठा लेती है और यहाँ से एक अलमारी में जाकर छुप जाती है। और हम दूसरी वाली एलिस को देखते हैं जो अपनी मॉम को ढूंढ रही है और वो अपनी मॉम को ढूंढते हुए काफ़ी दूर तक आ जाती है जहाँ पर उसे एक कैबिन नजर आता है और वो इस कैबिन के अंदर चली जाती है और वो यहाँ से सीधा अलमारी के पास में पहुँचती है। और जब वो अलमारी के अंदर देखती है तो वहाँ पर एक रेडियो था, उसी वजह से वह उस रेडियो को ले लेती है और इस अलमारी के अंदर बैठकर उसे लॉक कर देती है। और हमें पता चलता है कि ये दोनों एलिस एक ही जगह पे एक ही समय में दो अलग अलग पैरेलल स्पेस में हैं। और जो यहाँ पर पहले वाली एलिस है वो इस रेडियो में बोलती है कि क्या कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है, और यह चीज़ दूसरी वाली एलिस भी सुन लेती है। और दूसरी वाली एलिस बताती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ और बताती है कि मैं अलमारी के अंदर छुपी हुई हूँ। तो पहले वाली एलिस भी बताती है कि मैं भी अलमारी के अंदर हूँ और इन दोनों एलिस को पता चल जाता है कि हम दोनों सेम अलमारी में छुपे हुए हैं। और तब यहाँ पर एक शीशा होता है और ये दोनों एलिस एक दूसरे को उस शीशे की मदद से देख पाती है, यानी कि यहाँ पर पैरेलल स्पेस की कहानी दोनों मिल जाती है। वही हम जोहाना को देखते हैं, उसकी बेटी एलिस उससे अलग हो चुकी है, उसी वजह से वापस वह अपने घर में आती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरी बेटी अलमारी के अंदर छुपी हुई है, इसीलिए वह अलमारी के पास आती है। और हम दूसरी पैरेलल स्पेस की स्टोरी में मैग्नस को देखते हैं जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है और उसे भी सेम ऐसा ही लगने लगता है कि जैसे उसकी बेटी अलमारी के अंदर छुपी हुई है और किसी से बात कर रही है। इसी वजह से वो दोनों मिलकर अलग अलग स्पेस में अपनी अपनी अलमारियों को खोल देते हैं। लेकिन इन दोनों को यहाँ पर एलिस तो नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पर दोनों अलमारियों में रेडियो रखे थे, यानी कि मैग्नस को भी वहाँ पर रेडियो मिलता है और जो जोहाना है उसे भी अपनी अलमारी के अंदर रेडियो मिलता है। और ये दोनों एलिस बातें कर रही हैं कि मैं अलमारी के अंदर लॉक हो चुकी हूँ, तो दूसरी वाली एलिस भी बताती है कि मैं भी अलमारी के अंदर लॉक हो चुकी हूँ। और इस चीज़ को मैग्नस भी सुनता है और यहाँ पर जोहाना भी सुन लेती है, इसीलिए मैग्नस बाहर आकर जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और जो जोहाना है उसे पता चल जाता है कि मेरी बेटी किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालती है क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी बेटी शायद किसी दूसरे कैबिन में है, इसीलिए वह अपनी गाड़ी को उस कैबिन की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन जिस घर से वो निकली है उस घर के अंदर मोमबत्ती गिरने की वजह से आग लग जाती है। और जो यहाँ पर दूसरी वाली एलिस है वो पहले वाली एलिस से बात करती है और पूछती है कि क्या तुम तुम्हारी मॉम के साथ में रहती हो, तो पहली वाली एलिस हाँ में जवाब देती है। लेकिन दूसरी वाली एलिस बताती है कि मेरी मॉम तो मारी जा चुकी है। यह चीज़ जोहाना भी सुन रही होती है क्योंकि वो अपने साथ में रेडियो ले जा रही है। लेकिन जिस घर से वो निकली है वह देखती है कि उस घर में आग लगी हुई है, उसी वजह से वह अपनी गाड़ी को घुमाती है और वापस जिस घर में आग लगी है जिस घर से वो अभी अभी निकली है उस घर में जाती है। लेकिन उसके घर के अंदर पहुंचते ही आग अपने आप बुझ जाती है, यानी कि वो दूसरे पैरेलल स्पेस में एंटर कर जाती है जिस पैरेलल स्पेस के अंदर उसकी बेटी आई हुई है। और वो जल्दी से उस अलमारी को खोलती है जिस अलमारी के अंदर उसकी बेटी है। वही हम मैग्नस को देखते हैं जो जोहाना और अपनी बेटी एलिस को ढूंढ रहा है। यहाँ पर उसके पास में हेनरी भी होता है और ये लोग यहाँ पर एक जगह रुके हुए हैं क्योंकि आगे रास्ता बंद है और एक मशीन उस रास्ते को साफ करने में लगी है। तब यहाँ पर हेनरी अपनी बात बताता है और बताता है कि जब मैं चांद पर गया तब मेरे साथ में एक दुर्घटना हो गई थी, मेरे साथ में मेरे दो क्रू के लोग थे और वो दोनों मारे गए, मैं तो बिल्कुल सदमे में चला गया था। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ, जब मैं पृथ्वी पर आया वो लोग जिंदा थे, लेकिन मैं इस सदमे से खुद को उबार ही नहीं पाया। तो यहाँ पर मैग्नस बोलता है कि फिर आपने क्या किया, तो यहाँ पर हेनरी बताता है कि मैंने मेडिसिन ली जिनके ऊपर विटामिन बी लिखा होता है और मैं उनकी वजह से ठीक हुआ। और तब तक रास्ता भी खुल जाता है और ये लोग यहाँ पर जोहाना और एलिस को ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ पर हम हेनरी को भी देखते हैं, उसे भी कुछ अजीब तरह के विजन आ रहे थे और वह किसी दूसरी दिशा में जाने लगता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर CL डिवाइस नजर आता है जिसे वो उठा लेता है और यहाँ से और आगे बढ़ने लगता है। और तभी उसे कैबिन नजर आता है जो जल रहा था। वही हम जोहाना को देखते हैं जो अपनी बेटी एलिस के पास पहुंच जाती है और वो रेडियो के थ्रू दूसरी एलिस से बात करती है। तो दूसरी एलिस बताती है कि मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, आप हो कहाँ पर। तो यहाँ पर जोहाना बताती है कि मैं अलमारी के पास हूँ। तो यहाँ पर दूसरी एलिस बताती है कि मुझे आप दिख क्यों नहीं रही। तब यहाँ पर जोहाना शीशे में देखने की कोशिश करती है तो उसे दूसरी एलिस नजर आ जाती है। दूसरी एलिस अपनी मॉम जोहाना को बोलती है कि आप कब तक वापस आओगी।
तो यहाँ पर जोहाना बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ चीज़ों को सुलझाना होगा। लेकिन जहाँ पर जोहाना और उसकी बेटी छुपी हुई थी उस जगह पे आग लगी हुई है और उसी वजह से जोहाना अपनी बेटी को यहाँ से निकाल कर ले जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो वहाँ पर उसे हेनरी मिल जाता है और वह हेनरी को यहाँ पर एलिस दे देती है और कहती है कि तुम इसका ख्याल रखना, मैं अपनी दूसरी बेटी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, यानी कि दूसरी एलिस को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। लेकिन वो घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे वो एलिस नहीं मिलती। वही हम पॉल को देखते हैं जो बट के घर पे गया था, क्योंकि पॉल को यह लग रहा था कि यह हेनरी है लेकिन वो असल में बट था, और बट ने यहाँ पर पॉल को गोली मार दी है और बट जल्दी से वहाँ पर उसके लिए एम्बुलेंस बुलाता है। तब तक यहाँ पर जोहाना भी घर से बाहर आ जाती है और वो अपनी बेटी एलिस को संभालती है जो कि बेहोश हो चुकी है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी वाली एलिस भी आ जाती है जो अपनी मॉम जोहाना को देख लेती है, क्योंकि दूसरे पैरेलल स्पेस में जोहाना मारी जा चुकी है। और जो यहाँ पर पहली वाली एलिस है वो धुआं की वजह से बेहोश हो चुकी है और यहाँ पर दूसरी एलिस अपनी मॉम को बोल रही है कि मुझे लगता है कि वो शायद मर चुकी है। लेकिन तभी यहाँ पर दूसरी वाली एलिस को उसका पिता मैग्नस बुलाने लगता है। तो यहाँ पर जोहाना दूसरी वाली एलिस को बोलती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारे पिता बुला रहे हैं। तब तक यहाँ पर मैग्नस भी पहुँच जाता है। उसे एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पर जोहाना भी है, इसीलिए वह जल्दी से अपनी बेटी एलिस को संभालता है और पूछता है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर और कौन था। तो यहाँ पर जो दूसरी वाली एलिस है वो अपने पिता को बताती है कि यहाँ पर मैंने अपनी मॉम को देखा। लेकिन मैग्नस को यहाँ पर एलिस की बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन जो पहले वाली पैरेलल स्पेस की स्टोरी है उसके अंदर पुलिस आ जाती है और उनके साथ में मैग्नस भी होता है जो एलिस और जोहाना इन दोनों को ढूंढ रहे हैं, और फाइनली जोहाना उन्हें मिल जाती है। यहाँ पर जोहाना मैग्नस को बताती है कि मैंने एक और एलिस को देखा, लेकिन यहाँ पर मैग्नस उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो लोग यहाँ पर जल्दी से एलिस को उठाते हैं क्योंकि वो बेहोश हो चुकी है। और जो मैग्नस है वो दूसरे वाली एलिस को जल्दी से अपने घर में लेकर आता है और अपनी एलिस को बोलता है कि आगे से मेरे साथ ऐसा मत करना, यानी बिना बता के मुझे कहीं पर भी मत जाना। लेकिन एलिस बताती है कि मैंने वहाँ पर मॉम को देखा, लेकिन मैग्नस को कुछ भी यकीन नहीं होता। और हम पहले पैरेलल स्पेस की स्टोरी में आते हैं जहाँ पर जो एलिस बेहोश हो गई थी उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, उसके पास में उसका पिता होता है और जो यहाँ पर बेहोश एलिस होती है उसे सपना आता है कि कोई औरत उसे बुला रही है जिसने एक स्पेस सूट पहना हुआ है। और सेम इसी एस्ट्रोनॉट को हमने नासा के स्पेस स्टेशन के अंदर भी देखा था, लेकिन उस टाइम पर इस औरत की केवल बॉडी थी। तब यहाँ पर एलिस को होश आ जाता है और वह यहाँ पर मैग्नस से पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ पर गई है। तो यहाँ पर मैग्नस बताता है कि वो एक एरिन नाम की नासा की लड़की के साथ में गई है। तो यहाँ पर एलिस अपने पिता को बताती है कि मेरी मॉम की जान खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। और इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पर पूरा हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हम आपसे मुलाकात करते हैं और भी लेटेस्ट वेब सीरीज के साथ। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।